ये कहानी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड पे आधारित है जिन्हें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों उसके साथ घपाघप करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। उसके बाद उन तीनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है द लेओवर और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम केट को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है। वो बच्चों को पढ़ा रही थी तब वो पीछे बैठे एक बच्चे को देखती है जो पीछे बैठ के कॉमिक पढ़ रहा था। लेकिन केट उसको डांटने के बजाय सबको कॉमिक बुक पढ़ के सुनाने को बोलती है। उसके बाद केट भी उस बुक पे इंटरेस्ट लेके सुनने लगती है। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो केट को स्कूल के बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है और वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ वो केट को बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत ज्यादा प्यारी है और तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रिंसिपल उसे इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। इधर हम दूसरी लड़की मेक को देखते हैं जो एक मार्केट फील्ड में सेल्स एम्प्लॉयड होती है और वो एक कंपनी में सेल्स ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने की नाकाम कोशिश करती है बट उसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे एक और झटका लगता है। उसकी कार नो पार्किंग में खड़े होने की वजह से पुलिस उसकी कार को उठा के वहाँ से ली जाती है और घर पहुँच के केट देखती है कि मेक कुत्ता डांस कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है और दोनों एक साथ रहते हैं। मेक केट को बताती है कि आज मेरा दिन सबसे बेकार गया, इंटरव्यू में मेरा प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुआ और पुलिस मेरी गाड़ी भी ले गई। तब केट बताती है कि आज मेरा भी दिन अच्छा नहीं था और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद मेक केट को सुबह जल्दी उठाती है और उसे बताती है कि हमें अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए, जिसपे केट बोलती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर मेक बोलती है कि मैंने ऑलरेडी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है और अब से 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, जिसकी वजह से केट को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पहुँच के ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जिससे इन्हें लगता है कि ये लोग अगर लाइन में रुके तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद मेक वहाँ से जल्दी निकलने के लिए एक स्टाफ से नैन मटक्का करने लगती है और वो स्टाफ मेक की बातों में आके उसे पहले निकाल देता है और ये दोनों फ्लाइट में अपने सीट पे बैठ के चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच की सीट किसी रायन नाम के आदमी की थी और वो उन दोनों के बीच एक राजा के तिराग के बैठ जाता है और दोनों रानियां भी उससे मजे लेने लगती है, जहाँ रायन उनसे बोलता है कि मैं फ्लोरिडा में अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश होने की वजह से प्लेन को सेंट लुइस में उतारना पड़ेगा, जिसके बाद ये दोनों वहाँ एक होटल बुक करते हैं जहाँ ये दोनों बोलते हैं कि हमारा सामान एयरपोर्ट पे मिस हो गया है। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो इन्हें वो डर की रायन दिखता है, जिससे ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे रायन बोलता है कि मेरे फ्रेंड की शादी में भी टाइम है इसीलिए मैं अपनी लाइफ खुल के जी रहा हूँ। रायन उन दोनों को शाम को ड्रिंक पे इन्वाइट करता है और वो दोनों भी खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। बाद में मैक सोचती है कि मेरा सामान तो एयरपोर्ट पे गुम हो गया और मेरे पास पहनने के लिए कोई दूसरे कपड़े भी नहीं है, इसीलिए वो केट से हेल्प मांगती है और केट बोलती है कि मेरे पास भी ऑलरेडी एक ही ड्रेस है, वो उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद शाम को केट पार्टी में जाती है। रायन उससे मैक के बारे में पूछता है जिस पर केट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वहाँ मैक भी आ जाती है जिसने साड़ी पहनी थी और वो साड़ी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वहाँ टीवी पे एक न्यूज आता है कि फ्लोरिडा में ज्यादा ही मौसम खराब हो रहा है, जिसके वजह से वहाँ जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ 3 दिन तक मौसम साफ नहीं होगा। ये सुनकर रायन काफी ज्यादा दुखी होता है और उसे सुख देने की गारंटी ये दोनों ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों डांस कॉम्पिटिशन करने लगते हैं और डांस करते करते मेक का पल्लू नीचे सरकने लगता है और सब लोग उसके मैंगो को देख लेते हैं और उसके बाद तीनों अपने कमरे में जाने लगते हैं। पर कमरे में जाने से पहले केट और मेक के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक साथ रायन को पसंद करने लगे थे। अगले दिन मेक रायन के साथ हॉट एयर बलून पे जाने का प्लान बनाती है पर केट को ऊंचाइयों से डर लगता था। तब रायन बोलता है मैं और मेक वहाँ चले जाएंगे, लेकिन केट मेक को रायन के साथ अकेले जाना नहीं देना चाहती थी इसलिए वो भी उनके साथ जाती है। लेकिन ज्यादा ऊपर जाने के बाद केट काफी घबराने लगती है, तब रायन उसे अपनी बातों में लगाकर शांत करता है। अगले दिन केट और मेक एक कॉफी शॉप पर बैठे थे जहाँ उन्हें पता चलता है कि रायन यहाँ से जा रहा है। तब वो दोनों रायन के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। रायन उनसे बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। तब केट और मेक रायन को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं और वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और उस टैक्सी ड्राइवर का नाम केस था, जिसे मेक बहुत ज्यादा पसंद आती है। पीछे मेक रायन के साथ मस्ती कर रही थी और उसके बाद वो उसके हाथों में लोशन लगाने लगती है, पर केट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो मेक की एक गंदी सी पिक्चर रायन को दिखाने लगती है, जिसके बाद मेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो लोग पेट्रोल पंप
डंप पे जाते हैं जहाँ केट बाथरूम में चली जाती है और मेग बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आके रायन से मजे लेने लगती है। तब केट किसी तरह से विंडो से बाहर निकलती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कूड़े के ढेर में गिर जाती है जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। रायन केट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर केट बोलती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो इंसान कौन हो सकता है। जिसके बाद केट वहीं अपने कपड़े साफ करती है और कपड़े बदल के वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में केट रायन से बोलती है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, जिसके बाद रायन उसका गला दबाने लगता है, मसाज करने लगता है, लेकिन मेक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जेलस करने लगती है। तब वो गुस्से में शैंपेन में बहुत सारी नींद की दवा मिलाने लगती है और वो केट को देती है, लेकिन केट शैंपेन पीने से मना कर देती है। तब क्रे उससे वो बोतल ले लेता है और खुद पीने लगता है। मेक उसे बोलती है कि तुम्हें ड्राइव करते समय नींद आएगी। तब क्रे उसे बोलता है कि मुझे ड्राइविंग करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं इससे पहले भी ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। उसके कुछ समय बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सब लोग सो जाते हैं और इसी बीच क्रेज भी सो जाता है और वो रोड पे एक बोर्ड को उड़ा देता है, जिसके बाद उनकी आंखें खुलती है और वो एक होटल पे पहुंचते हैं। होटल के अंदर जाने से पहले केट उस बोतल को चेक करती है जहां उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिलती है, जिसे देख के वो मेक में बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और गुस्से में वो अपना रूम अलग बुक करती है। उसके बाद मेक क्लब में बैठ के ड्रिंक करने लगती है और तभी वहां क्रेग आता है और कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है। इधर हम केट को भी देखते हैं जिसे रायन ढूंढते हुए उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कब से अकेला ढूंढ रहा था, और उसके बाद वो दोनों कमरे में जाके बिना सोचे समझे खपा खप करते हैं। अगली सुबह मेक केट से आके मिलती है और बोलती है कि हमें एक दूसरे से एक लड़की की वजह से नहीं लड़ना चाहिए, जिसे केट मेक के काफी क्लोज आके बोलती है कि रात को मैंने रायन के साथ घपा घप किया, जिसके कारण उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद क्रेज वहां आता है और बोलता है कि रायन शादी में जाने के लिए मेरी गाड़ी चुरा कर लेके गया। तब क्रेज को एक पोस्ट मिलता है जिसमें उसे पता चलता है रायन किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है, जिसके बाद ये दोनों में पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि रायन ने हम दोनों की लाइफ खराब कर दी है और अब वो किसी तीसरे की लाइफ खराब करने के लिए जा रहा है, और पुलिस भी इनको इस बात पर छोड़ देती है और ये दोनों रायन की शादी में बिना दावत के पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके वहां पहुंचने से पहले ही रायन की शादी हो चुकी थी, लेकिन रायन इन दोनों को वहां पर देख के वहां से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और बोलती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, एक के साथ एक फ्री। तब रायन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी ना कि मैं, और जब कोई मेरे सामने झुक के खड़ा होता है तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि मैं कुछ ना करूँ। उसके बाद रायन की वाइफ वहाँ पर आती है और वो रायन से रूडली बिहेव करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद मेक क्रेग को किस करती है और केट से कहती है कि जो कुछ हुआ अब हमें वो भूल जाना चाहिए और हम दोनों पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन के साथ में रहना शुरू कर देंगे। केट के स्कूल का प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देता है क्योंकि उन्हें केट का टीचिंग का तरीका पहले से ही पसंद था। मेक और क्रेग बाबूशोना बन जाते हैं और केट और मेक फिर से दोनों साथ में रहने लग जाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।